प्रवेश भजन हे दया सागर प्रभु, उन्हें अनंत शांति प्रदान कर, उन्हें अनंत प्रकाश से प्रकाशित कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सब उनके साथ हो और आपके साथ भी। आइए हम इस काल में जैसे हमारी परिस्थिति है उसी के अनुसार हम बाबा स्थानिसला सिक्का मौसा जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि इस सच्चाई को हम विश्वास के माध्यम से ही उसको स्वीकार कर सकते हैं। ईश्वर ने ही वह जीवन दिया और ईश्वर ही उस जीवन का मालिक है। इस दुखित अवस्था में इन सब बातों को बोलना एक व्यर्थ बात लगता है। इन्हें लगे कि इंदिरा बहादुर, लेकिन धर्म से देखिए नमागे आस ढाड़स से उस इदस और आस नम है बाबास स्तानिस्लास एक कस कनेती जिंदगी वह राचस और कुल कुहा जिंदगी नू आसंति धर्म स्कने रोस और नमागे बिंदी रोस। आइए हम बाबा के लिए विशेष प्रार्थना करते हुए यही प्रार्थना करें कि उनके हर प्रकार के पाप गुनाह दोष को सबको प्रभु भर ले और उनको अपने स्वर्ग राज में प्रवेश पाने दे। हम उनके लिए नाम है बाबास के नाम क्षमा ने मत नाम नम है बाबास थी क्षमा ने मत कि नाम हम गलती नंज का दस का आस नम है अब गलती नंज का दस बोले धर्म से कि आस नम क्षमा नमस निकल। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से सब सरदूतों संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर तू ही दया और क्षमा का सागर है। अपने सेवक स्वर्गीय स्तानिसलास एक्का को आज तूने अपने पास बुला लिया है। इस लोक में उन्होंने सदा तुझ पर आशा और विश्वास रखा था, इसलिए वे स्वर्ग लोक में परम आनंद के सहभागी बने। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1-9। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं, वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे। यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है, किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा कि विधर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है।
ईश्वर ने घड़िया में सोने की तरह उन्हें परखा और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। ईश्वर के आगमन के दिन वे ठूठी के खेत में धधकती चिंगारी की तरह चमकेंगे। वे राष्ट्रों का शासन करेंगे, वे देशों पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो प्रेम में दृढ़ रहते हैं वे उसके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य, प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। जय घोष, अलेलुया अलेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दो, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित करूं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है वे उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूँ, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूँ। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मैं हमेशा यही बोलता हूं कि ईश्वर हमसे बातें करता है विभिन्न प्रकार के माध्यम से, विशेषकर अपने शब्दों के माध्यम से, अपने वचन के माध्यम से, हमारे जीवन की विभिन्न घटनाओं के माध्यम से वो हमसे बातें करता है, हमारे जीवन के अनुभव से वो हमसे बातें करता है। बाबा स्टानिस्लॉस एक्का हमारे साथ शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जरूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं तो यही समझता हूँ कि हमारे माता पिता या तो हमारे नाना नानी, दादा दादी लोग जो चले जाते हैं वे लोग संतों की मंडली में हैं और वे लोग हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं बहुत सारी बातों को नहीं बोलूँगा, बक्के कथा कम से कहती हूँ आता कुम समझ लूँ माँ भर हो, लेकिन अब विश्वास थे कि आधी कथा नाम स्वीकार न हो और ये स्वीकार ये कथा नाम सोचो तो विचार न हो कि इन जैसे अकुन इन ये वचन की तैयारी माना सक सका। लेकिन जैसे ये राधन इन मोसा से जिंदगी इन्नु ये राधन आज पहला पाठ में जैसे का अनुभव कि धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं, तो मेरे मौसा उनके पापा चाचा दादा दादी कुछ भी जो दादा का जो भी रिश्ता है उसमें ईश्वचन यही बोल रहा है कि धर्मियों की आत्मा ईश्वर के साथ है, अर्थात
धर्मेश नाम है बाबा सिंह है देह चुकादश। बहुत कठिन रही दिन स्वीकार देना, बहुत कठिन रही, लेकिन दिन अगर दूसरा तरीके दी गई थोड़े नाम नाम इन्ने हो पा होगा कि धर्मेश नाम आगे इन्ने बग्गे उल्ला नाम है संगेरा आगे आस बाबा सिंह बहुत मौका चिच्चस दिनेश दमास का कथा मना लिया खने बालियस पहले पहले रखूँ मना बहुत पहले कि हम स्ट्रोक भी से बच की चा का लकवा भी से बच की चा ती कैसे बचना मंजर बाबा से तो अति नीलो थोले नाम अकुन अगर बहुत की नाम हो अगर बहुत कि धर्मेश नामा के ये बाबा सिंह एक उनका स्ट्रिक्ट रूप से या तो बहुत तो इंद्रा बहुत मतलब धार्मिक रूप से आस नमाज इसका दस और मुसी ये कथा का इन्हें कथा मल्ला बना लेकिन इन्हें तो सुसमाचार इन्हें पढ़ा देना नुबा अली की पिता ने जिन्हें मुझे सौंप दिया है वे सब मेरे पास आएंगे और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। तो नीन एम एम है ती वक्त बक्की नीनी मखे की मोसा से का से जिंदगी रचा और अनु नाम एरदा एन का एरदा कि धर्मेश आस आसिन निंगा के चिच्चस और इंगे भाइयों पर भाई भाई है भाइयो बहरिन बहन रिन चिच्चस और अकुन आस धर्मेश के सोप्रादस धर्मेश के नाम आसिन इस्तेक बर्च का चस आसानी नाम आसिन तैयार तो सुसमाचार ही आखिर नबाली मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। धर्मेश इच्छा आदिमी के कि नाम जीसस में विश्वास कठिन रहे, विश्वास नंतेम रहो और अतु के नाम कुहा जिंदगी का अनंत जीवन ना दिन ग्रहण और आस न हुआ आदर्श बारंबार बदस कि मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। कहे कि ना मैं विश्वास थे किम नाम इंटा पुनः जीवन नाम ग्रहणानंद जीसस तो अकुन हम आगे जो इस समय कठिन समय रही ये दिन परीक्षा ही समय न हो बाहर अंदर लेकिन परीक्षा ही समय न हो नामंती अबादत ना हिंदी में बोला जाता है कि सोने की परख आग से होती है और मनुष्य की परख मनुष्य के धार्मिकता की परख उसकी अच्छाई की परख इन्हीं विपत्तियों से होती है और एक कठिन समय में धर्मेश मैया लगे नाम और पुख्ता मत ना है विश्वास में और नाम धर्मेश गे नाम है बाबा सिंह बाबा स्थानिसदास सिंह नाम हरबोध और नाम आस के बिनती नमोत और आसु नमा के अतु और बक्के नमा के आस बिनती नमदस नमादस और नमोस ग्रंथि नाम बक नाम है जियाता जो चाड़ रही जियाता जो निवेदन बिनती रही यदि नाम धर्मेश के अर्थ धर्मेश नाम है बितिन आसखदस और इन्ना बहुत विपरीत परिस्थिति में नाम इन्हीं सब बलिदानों सहभागी बनाने कोशिश न आदत का धर्मेश नाम है जियाता दुखन आस हो उसने काम विशेषकर बाबा सी और मोसास के मोसास
ऐसी आत्मा ही आनंद शांति के विशेष विनती नंदन और संगे मंती इंग है मुसी और इंग है भाई और के इंग है बहनर के खरदर के और दमाद बगर के इन और जमर के इन यह बिंतिन अर्गाद के धर्मेश नम है ये मल नम है अयोग्यता की अयोग्यता थी कि नम है बिंतिन अस्वीकारनोस और नामन नाम एक दूसरा धारस से ना नाम धारस से आगे कोशिश नंद लेकिन धर्मेश का नम है नाम एक से जैसे बाबा सिस्तानी से कासे कासे काम नाम से कदास आ काम 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 कैसे बोल प्रभु उनके काम के अनुरूप प्रभु हम लोग उचित स्थान दे चुके रहते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए लेकिन प्रभु हम लोग से पहले कार्य कर चुका रहता है उनको उचित स्थान दे चुका रहता है। और इसीलिए आइए हम अपने आप को समर्पित करते हुए चढ़ावे में हम बाबा की विशेष प्रार्थना करते हुए अपनी प्रार्थना को समर्पित करें। धन्य है तू ईश्वर के प्रभु ईश्वर यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरे उदारता से मिली है पृथ्वी की पर से और मनुष्य के परिश्रम कर पूर्ण यह हमारे जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक इस जल और दाखस के समिश्रण द्वारा हम ईश्वर के भागी बन जाए जो हमारे लिए मनुष्य बन गए हैं। धन्य तो विषय प्रभु ईश्वर यह दाखस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल यह हमारे आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक हे प्रभु हम अपने को दीनहीन समझते हैं हृदय से प्रस्ताव करते हैं हम पर त्याग कर हे प्रभु ईश्वर तू आज हमारा यह बलिदान ग्रहण कर हे प्रभु मेरे प्रार्थना कर मुझ पापी को शुद्ध कर। भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर तेरे सेवक स्वर्गीय स्तानिस्लास एकक की मुक्ति के लिए हम यह भेंट चढ़ाते हैं और हमें तेरी दया की हम तेरी दया की याचना करते हैं। इस जीवन में वे तेरे पुत्र को अपना मुक्तिदाता मानते थे अब वे उन्हें दयालु न्यायकर्ता के रूप में पाएं यह हमारी प्रार्थना है उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी प्रभु में मन लगाएंगे हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता यह परमोचित है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा धन्यवाद दें तूने हमें इनके द्वारा महिमामय पुनरुत्थान की आशा दी है। जब हम अपने मृत्यु के विचार से दुखित होते हैं तेरी अमरता की प्रतीक्षा हमें दिलासा देती है। हे पिता तेरे भक्तों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं जीवन का विकास है क्योंकि जब मृत्यु के द्वारा यहाँ का निवास समाप्त हो जाएगा हमें स्वर्ग का नित्य निवास प्राप्त होगा। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से
कहते हैं पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर स्वर्ग में प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। ये समय नाम विशेष रूप से बस जो बारंबार मिसानु सहभागी मंजस आ मिसानु नाम आज के विशेष जज ऐसान जे जीसुस तंगन परिवर्तित नंदस ई आसमा उदाखसी रूपेनो और आ आसमा जीसुस ई मेरे द्वारा खींच में बनी कही और अधिन नाम ग्रहण अंदर और दूसरा जीसु बना के कोशिश अंदर परंतु आ नम है बाबा स्वर्गीय स्तानिस्लास एकस अंति आस हमेशा जब जब ग्रहण नंजस जीसु सिन जीसु बना के कोशिश नंजस अधिन नाम याद नते हुए आज भी विशेष विनती नाम। हे परम पिता तू वास्तव में पवित्र है। सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू हर अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए। उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है नवीन और अनंत व्यवस्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रीस्त मर गए, क्रीस्त जी उठे, क्रीस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु बल हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जॉन थॉमस और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि रहे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक स्वर्गीय स्तानिस्लास एक्का की सुधि ले, जिनको तूने आज इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक आ चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुनर्दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक से भी कायम बने रहें, तेरा स्त्रीगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम बाबा स्तानिस्लास को और हमारे सभी दिवंगत आत्माओं को, हमारे नाना नानी दादा दादी सबों को समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को समर्पित करें। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सही बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। धर्मिस नमागे तंग है चैन नम चिदस, विशेषकर इस कठिन समय में, विशेषकर बहुत कठिन समय में आप धर्मी से चैन ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहे, बहुत ज़्यादा अभी चाड़ रहे, और विशेष करके मुसीन और यह जमो भाई बहन बहनरी है बहू है तो बहू और यह दामाद और भटू वगैरह जमारे समर्पित नते हुए इन अप्रगिश धर्मी से चयन अप्रगे एकदम की आसना मांगी चाहिए। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बाबा स्तानिस्लास के पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना इसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे और विशेषकर हम लोग जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। नाम धर्म सिंह ग्रहणादत आध्यात्मिक रुक्ति आस भले ही विपरीत परिस्थिति नमहती नम है बाबास नम है मुसास का नम है आलस नमहती चैर, लेकिन आध्यात्मिक रूप थी कि नमास्ते ने जोड़ रखा रहा दत्त और जोड़ रखा रहा ओ आज तू तर संतर ही माध्यम मध्यस्थाती हूँ और स्थान हूँ तू तर संतर गने आस नमागे बिनती नमादास नमोस, लेकिन इन्ना तो उल्लान नाम आसिन समर्पित नादत आसिन नाम धर्मिस गे वापस किरता दत्त इस तक जो जिंदगी भर दिन और वापस गिरता तो हैरान थी अच्छे मनोभाव थी आधर्म सिंह नम है बाबा सी जिंदगी के नाम आसिन धैन बहुत आसिन आसिन आस के नाम भिन्ती नाम
सच के जिया बुजुर के काया दुर्गा जिया मेरा नाम अंति धर्म सिंह के धर्म के धर्मस्थी नाम है प्रसाद भजन। हे दया सागर प्रभु अपने संतों के साथ उन्हें अनंत आलोक से आलोकित कर। हे प्रभु करुणा निधान उन्हें अपने संतों के साथ अनंत शांति प्रदान कर। हम प्रार्थना करें हे प्रभु तेरे पुत्र ने हमें इस परम प्रसाद के दिव्य संबल में हमें दिव्य संबल दिया है, उसी संबल से हमारे पिता स्वर्गीय स्तानिस्लास का प्रभु ख्रीस्त के स्वर्गीय भोज में भी सहभागी बन सकें। ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। एको दिन आयुड़ी चली जबू दया है रे हाँ। सुंदर कया माटी में मिल जबू दया रे हाँ। एको दिन आयुड़ी चली जबू दया है रे हाँ। सुंदर कया माटी में मिल जबू दया है रे हाँ। हम हमारे पापा स्तानिस्लास के लिए स्वर्गीय स्तानिस्लास का के लिए विशेष प्रार्थना करते हुए। हम बहुत सारे लोग जो आज के समय में कोरोना वायरस से ग्रसित हैं हमारे भाई ऑस्कर और बहू उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। हम बच्चे के लिए भी प्रार्थना करते हैं और जितने लोग भी जिनको हम लोग जानते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें सुरक्षित रखे और विशेषकर बाबा जो हम लोग से विदा हो चुके हैं उनको अनंत शांति प्रदान करें। हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर ही पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु प्राय से बचा। आमीन। माँ मरियम हमारी नित्य सहायिका है, वो हम लोगों को ढाढ़स प्रदान करे और हमारे पिता स्वर्गीय स्तानिस्लास एक्का को अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के विश्वास में हम लोगों को जिस प्रकार से दृढ़ बनाए रख और बाबा को स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए हम लोगों की मदद कर, उनको मदद कर। प्रणाम मरियम कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हो गई जैसे वह आदि में थी अनंत काल तक सदा रहेगी। हे संत माँ मरियम हमारे प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ हमारे प्रार्थना कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति में निवास करें। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर।
पिता के भवन मैं जा रहा हूँ, स्वर्गीय गे मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन। अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम, स्वर्गीय पिता का प्रेम मैंने दिखाया, अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ, स्वर्गीय गे मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन।